अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज खान साहब ने ऐलान किया यौमे तशक्कुर मनाने के लिए, इस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मुद्दतें हो गई हैं हम प्रोटेस्ट के लिए, हर परेशानी हमें दुख ही दुख मिल रहे हैं पाकिस्तान में, हर दिन कोई नया दुख होता है हमारे लिए, तो हम अगर दुख के ऊपर प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलते हैं तो आज जब खुशी का दिन है तो हम क्यों ना निकले। आज एक दिन खुशी का आया है। अब मुझे लगता है कि जो अशराफी है, कुछ उनमें ऐसे लोग हैं जो अभी भी पाकिस्तान के आईन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और सच्चाई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने इतना अच्छा फैसला दे दिया तो सेलिब्रेट करने के लिए हम इकट्ठे क्यों ना हो। पीडीएम को आप क्या जवाब देना चाहती हैं? पीडीएम चाहती है कि ताक क़यामत इलेक्शंस ना हो, क्योंकि इनको पता है इनकी बैंड बन जानी है जब होंगे इलेक्शंस, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शंस होंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे, और इस दफा इमरान खान नहीं जीतेगा, जीतेगी तो आवाम जीतेगी। इलेक्शन होंगे आपके नजदीक? बिल्कुल होंगे। देखिए, अब कब तक ये रोकेंगे? आखिर एक ना एक दिन जो हमेशा झूठ होता है वो सामने आना होता है, इनका सच जो है ना वो सामने आएगा। लोग अभी भी कुछ हैं गुमराह जो इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जल्द ही वो भी इनको सपोर्ट करना छोड़ देंगे। 75 साल से इनके जो बादशाहत है हम उसको रद्द करते हैं, हमें वो ना कबूल है। इनको लगता है हम इनके कमी कमीन है और ये बादशाह नहीं, हुकूमतें अवाम के लिए बनती हैं, अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनती हैं। हुकूमतें इसलिए नहीं बनती कि वो बादशाहत करने लग जाए और हम लोग उनके गुलामों की तरह उनको टैक्स पर टैक्स देते जाए। नाजरीन, ये मेरे मुल्क के बच्चों की सोच है कि वो ये पाकिस्तान के लिए उसको लाना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान के साथ साथ अवाम का भी सोचे। अवाम ने फैसला कर लिया, इलेक्शन तो 14 मई को होंगे, लेकिन अवाम ने अपना फैसला पहले ही दे दिया है।